हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल कॉस्मेटिक हेल्थ। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं जो कि एक फेमस ब्रांड नेम है पॉन्ड्स का, और ये पॉन्ड्स का एक न्यू प्रोडक्ट आया था जो कि लाइट मॉइस्चराइज़र जेल करके आता है, पॉन्ड्स सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र जेल। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र जेल है, और जो कि एक मॉइस्चराइज़र है जो कि जेल के फॉर्म में आता है। पॉन्ड्स कंपनी ने, ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये अपना जो मॉइस्चराइज़र निकाला है ना, जेल जेल इन द फॉर्म ऑफ जेल, जेल के फॉर्म में निकाला है। और बाकी जो मॉइस्चराइज़र आते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, मतलब ऐसा क्रीम टाइप में रहते हैं एंड स्टिकी भी होते हैं, लेकिन इसमें जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, पॉन्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट सुपर लाइट जेल नॉन स्टिकी फ्रेश फील नॉन स्टिकी हाइड्रेटेड ग्लो, मतलब कि जो मॉइस्चर है वो भी आपके फेस पे बनाए रखेगा, हाइड्रेटेड ग्लो बनाए रखेगा एंड हाइरोनिक एसिड एंड वाइटामिन ई, हाँ वाइटामिन ई विच इज़ वेरी गुड विटामिन फॉर योर हेल्थ एंड द रिप्लेनिशमेंट ऑफ योर स्किन, तो उसके लिए भी ये अच्छा होता है। तो ये भी है इसमें हाइपरोनिक एसिड, वो एसिड जो कि आपकी स्किन में रिजुविनेशन करता है, आपकी स्किन में लाइटनिंग लाता है, आपकी स्किन में लाइटमेंट लाता है, ये वो एसिड है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ ये आती है। और मैं इसकी प्राइस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अब इतनी अगर इसमें इतना है तो इसका प्राइस क्या रहता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसकी MRP है 55 एंड 20 ml यानी 25 ग्राम के करीब इसमें क्वांटिटी है एंड MRP है 55। तो गाइस ये अगर इसमें क्वालिटी से इसके प्राइस को कंपेयर किया जाए तो क्वालिटी विद क्वांटिटी में ये थोड़ा बहुत महंगी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर मॉइस्चराइज़र आई थिंक इट इज़ बेटर देन अदर। तो ये आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं ये। तो गाइस जो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें बिल्कुल लाइट जेल टाइप का इसमें कलर ही आप देख सकते हैं, वाइट एंड नॉन स्टिकी है। तो ये मैंने आपको इसका कलर वगैरह भी दिखा दिया है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और मतलब बिल्कुल ये जो ये लोग इसमें ये श्योरिटी देते हैं कि आप एक बार इसका यूज़ करेंगे तो ये नॉन स्टिकी रहेगा, अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि ये मैं आपको एज अ रिव्यूअर की बात करें, जो मैंने इसका यूज़ किया है एंड आई गो, हाँ ये आपके लिए बेटर है। अगर आप समर्स में ज़्यादा बाहर रहते हैं, आपकी स्किन में ज़्यादा समर्स या हीट में ज़्यादा आपका काम रहता है, गर्मी में ज़्यादा काम रहता है, या स्किन जल्दी आपकी हार्म होती है, तो अदर मॉइस्चराइज़र के कंपैरिजन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको अप्लाई करना तो सभी लोग जानते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है, और इसमें लिखा भी हुआ है पीछे हाउ टू यूज़। यस बिल्कुल सॉफ्टली अपने हैंड में आपको इसको कैरी करके फेस पे अपने कैरी करना है, जैसे लाइट मॉइस्चराइज़र है। डोंट टू बी रफ नहीं करना है आपको, हल्का सा उसको स्प्रेड करना है हैंड्स पे एंड देन यू हैव टू फॉलो ऑन योर फेस एंड नॉट टू मिक्स विथ योर हैंड, इट इज़ ओनली स्प्रेड ओवर योर फेस। तो आप लोग इसको अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं एंड हैंड्स वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ जेल एंड लाइट जेल, इट इज़ नॉट फील यू हैव ना हैवी, आपको हैवी फीलिंग कराएगा कि आप कुछ मतलब हैवी जेल वगैरह लगाए हुए हैं, या कुछ मॉइस्चराइज़र के जो चिपचिपा होता है, जैसे और जो मॉइस्चराइज़र्स वगैरह आते हैं जैसे स्किन फूड वगैरह, वो उसमें ये रहता है एकदम पतला टाइप नहीं रहता, एकदम गाढ़ा रहता है। उसको आप जब फेस पे अप्लाई करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी उसमें अगर गर्मी वगैरह होता है तो उसमें वो सबसे ज़्यादा आपको स्वेट रिलीज़ कराता है,
लेकिन वहीं यदि आप इसका यूज़ करेंगे तो नो स्वेट एंड ओनली फॉर योर स्किन एब्जॉर्बर, एट अ लाइटली आपकी स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर अगर और कम से कम अगर नहीं देखे तो एट अ फाइव टू सिक्स आवर इट इज़ ऑल्सो रिलाइज ऑन योर स्किन, आपकी स्किन पर ये आप इसको महसूस कर सकते हैं। एंड डोंट मेक योर स्किन टू बी लेस मॉइस्चर, आपकी स्किन में कम मॉइस्चर नहीं रहेगा, ये मेंटेन करता है आपके स्किन में मॉइस्चर को। और क्वांटिटी दैट्स मेक द योर फेस अलाइटमेंट, जो कि आपके फेस में एक अलाइटमेंट देता है, एक चमक देता है आपके फेस को। तो आप कंटिन्यू अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं इन समर्स में, आई प्रीफर यू हैव यूज्ड इन समर्स बिकॉज समर्स चल रहे हैं और समर्स में एक लाइट जेल तो आपको सभी को चाहिए पड़ता है, क्योंकि समर्स में आप कोई भी क्रीम यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मामा अर्थ मॉइस्चराइज़र की बात की जाए और पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र की बात की जाए तो आई थिंक पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र इज़ द वन ऑफ द बेस्ट जेल एंड आई रिकमेंड फॉर यू यू कैन यूज़, क्योंकि मैंने भी इसका यूज़ किया है, इट इज़ अ वेरी गुड एंड माई ऑल सपोर्ट स्टाफ विल यूज़ नाउ यू कैन ऑल्सो, सो आई एम प्रीफर्ड फॉर यू यूज़ दिस वॉन्ट सुपर लाइट जेल विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर समर टाइम्स एंड दिस इज इट्स क्वालिटी एंड इट इन्हेंस योर स्किन, सो आई थिंक यू कैन ऑल्सो प्रीफर्ड एट एवरी वन which is helpful for your skin alignment, super light gel looking like it's दिखने में भी ये काफ़ी बेहतरीन है, तो आप लोग चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।